हिंदुस्तान में भव्य राम मंदिर के निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से जहां पाकिस्तान सरकार को बहुत पीड़ा हो रही है, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर जय श्री राम लिख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ। पूरे देश में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण पर निंदा व्यक्त की है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में राम मंदिर बनाने का जश्न मनाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पाकिस्तान से भी एक वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने ये वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। राम मंदिर को लेकर दानिश कनेरिया पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन दानिश कनेरिया ने एक बेहद ही खूबसूरत वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में लोगों को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की खुशी मनाते हुए देखा जा सकता है। वहीं बैकग्राउंड में आपको भगवान राम का एक भजन भी सुनाई दे रहा है। दानिश कनेरिया के इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जय श्री राम लिख कर लोग इसको रीट्वीट भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में कई हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे में राम मंदिर बनने का जश्न वहाँ के हिंदू जमकर मना रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी हिंदू धर्म के लोग मौजूद हैं। राम मंदिर बनाना दुनिया भर में मौजूद हिंदुओं के लिए गौरव का पल है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं जिससे इतना साफ है कि भले वो हिंदुस्तान से दूर हैं, लेकिन प्रभु राम को अपने दिल में बसाए हिंदू जो विदेशों में बैठे हैं वो भी राममय हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।